नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी भाइयों को, साथियों। मैं आपका दोस्त राकेश सिंह, स्वागत है आपका सीरत कार स्कैनिंग में। दोस्तों, लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने। गाड़ी है मर्सिडीज़ कंप्रेसर C200, जिसका विन नंबर चेसी नंबर में स्टार्टिंग में WDD204 होता है। दोस्तों, की प्रोग्रामिंग की तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन ये लॉक की वीडियो है। ये जो अपना इसका डोर लॉक होता है, बहुत भाई इसमें बहुत परेशान होते हैं, समझ नहीं आता ये लॉक कैसे ओपन होगा। और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है दोस्तों चैनल पे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, सभी भाइयों से विनती है, देखिए इंसान है, मनुष्य है, जीवन है, कब समाप्त हो जाए पता नहीं लगता। तो बीच में थोड़ी घर में कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी, हमारी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए आपका ये वीडियो लेट आ रहा है। 23 तारीख को हमारी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, 2023 ही चल रहा है, साल नहीं भूल गया मैं, देख लो, इतना बिजी हो जाता हूँ आपके काम के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में। तो फाइनली अभी दोस्तों, अब हम शॉप पे अपने काम पे लौट चुके हैं, और आज मैंने ये वीडियो बनाया है अपने व्यूवर्स के लिए। जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते आए हो अपनी वीडियोज़ में, आगे भी बने रहें हमारे साथ, इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें। आपका जो कमेंट होते हैं, आप जो शेयर करते हो ना, वो मुझे और मनोबल बढ़ाता है मेरा, कि हाँ राकेश तू एक वीडियो और बना, और चाबी वाले भाई कुछ सीखेंगे, किसी भाई वर्कशॉप वाले भाई, चाबी वाले भाई को कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत भाई परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिवेशन ही यही है कि आप सभी भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आइए चलते हैं। ये हमारे पास लोग हैं दोस्तों, वैसे हमने ऑलरेडी पिन यहाँ पे कट कर ली है, ये तो बाद में अचानक ध्यान आया कि चलो एक वीडियो बना लिया जाए इस चीज़ पे भी, क्योंकि इसका वीडियो मेरे को कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिला देखने को। एक पिन इसमें यहाँ पे लगी होती है, जूम करके दिखा दो जी। हाँ, ऐसे कैमरा ऐसे भी जूम हो जाता है। हाँ, ऐसे दिखाओ। एक पिन इसमें यहाँ पे लगी होती है, और सेकंड पिन इसमें यहाँ पे लगी होती है। मैंने ड्रिल करके कट कर ली है, ये मेरी ड्रिल मशीन है, प्रॉपरली मैंने ड्रिल लिया, इसको इस तरीके से यहाँ पे पूरा ड्रिल कर दिया था अंदर तक, पिन को कट कर दिया था। पिन निकलती नहीं दोस्तों, निकालने का भी रास्ता है, अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे कट मार सकते हैं, यहाँ से कट मार के पिन को बाहर कर सकते हैं। और ये वाली जो पिन है, हो सकता है थोड़ा आपको परेशान कर दे, क्योंकि यहाँ कट मारने की जगह मेरे को कहीं दिखती नहीं है। आप अगर कर सकें तो वो आपका तजुर्बा है, आपकी नॉलेज है, और आपका काम करने का तरीका है। लेकिन जो मैंने किया है, थोड़ा जल्दबाजी में किया है, ताकि रात भी ज़्यादा हो गई है, रात को वीडियो बना रहा हूँ। जब इस पिन को हम कट कर लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे ना एक ये बना हुआ है कट, ये कट दिखाओ जी, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो कट है ये आप देख सकते हो, ये जो कट है ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है। तो जाहिर सी बात है, ये लोग इस तरफ तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि ये कट बना हुआ है, इस तरफ ऐसे मूव नहीं करेगा, ये उस साइड में मूव करेगा। ठीक है भाई जी, तो मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ, ये देखो, अब ये देख सकते हो मूव हो रहा है, पिन मैंने कट कर ली थी ड्रिल से, मूव करके इसको मैं हटा लूँगा यहाँ से, ये मेरा हट गया फ्रंट कैप, नीचे रह गया मेरा बैरियल, और ये हमारे की के ब्लेड्स हैं जो हमने कटिंग किए थे लेकिन लग नहीं रहे थे, ब्लेड था ऑलरेडी एक, उससे हमने कट किए, तो हो सकता है 19-20 कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई मसला नहीं है दोस्तों, बड़े प्यार से और बेहतरीन तरीके से इसका काम होता है। अब मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा, ध्यान रहे आपको जो चाबी है उसको लगा के ही इसको बाहर खींचना है, चाहे कैसा भी चाबी है, कोई भी कटिंग है, गलत हो गई है या कुछ भी हो गया, तो इसको आप ऐसे बाहर खींचेंगे। ये मैं इसको देखो बाहर निकाल रहा हूँ, ये मार्किंग कर लेता हूँ, सबसे बड़ा मेन पॉइंट याद रखना दोस्तों, यहाँ मार्किंग कर लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, आप रेती का भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ मार्क लगा लिया कि कौन सी पोजीशन किस साइड पे है। ठीक है जी, एक एक चीज़ पे मार्क कर लिया इसको, अब मैंने ये निकाल लिया बाहर जी, ये आप देख सकते हो यहाँ से ये बाहर निकल गया, इधर से मैं इस कैप को बाहर निकाल रहा हूँ। कई बार ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये बड़े प्यार से निकलेगी, कई बार ये काफ़ी परेशान भी कर देती है निकलने में। अब यहाँ पे हमें दिक्कत तो कुछ नहीं, खास नहीं आई, थोड़ी सी हमारी की जो है हल्की सी, आप ये देख सकते हो लीवर ऊपर हो रहे हैं, ओवर हो गए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हल्का हल्का मैं यहाँ पे इसको ग्राइंड कर दूँगा। इस साइड के हैं और कुछ इस साइड के हैं,
करूँगा वन बाय वन निकाल के, वीडियो थोड़ा रोक के बनाऊँगा दोस्तों, बीच बीच में रोकूँगा भी, कभी काफ़ी लंबा हो जाए तो बहुत भाई देखते ही नहीं, फिर वो स्किप करते हैं वीडियो को। मैं तो अपना यहाँ प्लास्ट का यूज़ कर लूँगा, आप फॉइल का यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से फॉइल से इसको घिस के रगड़ के कम भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो शॉर्ट बन जाए तो इसलिए मैं नॉर्मली प्लास्ट से इसको कट कर लूँगा यहाँ पे, जो मेरा स्टाइल है। ये मैंने कर लिया है, अब मैं देख लूँगा यहाँ पे मेरा ये वाला लीवर बिल्कुल फिट हो गया नहीं हो गया। जी हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया। सेकंड की से भी चेक कर लूँगा। बाकी मेरे को ये ठीक लग रहे हैं, एक ये वाला लग रहा है आगे वाला, इसको करूँगा। प्लास से आपको एक फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों काटने में। फ़ायदा क्या है प्लास से कटिंग करने में, एक तो जो इसकी साइड की जो बावरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब हम घिसते हैं तो साइड से मेटल खड़ा हो जाता है ना, फिर उसको प्लेन करना पड़ता है, वो प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, प्लास से सीधा सीधा कट है। ये देखो यहाँ से क्लियर हो गया, अब हमारा इस साइड का रह गया, इस साइड भी कुछ फिंगर में चुभ रहे हैं, इनको भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये चारों ही लग रहे हैं, क्या चारों ही हो रहे हैं, थोड़ी कटिंग में इश्यू था और कुछ नहीं है, हो जाता है 19-20, कोई भी प्रॉपर नहीं कर पाता कई बार। ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, मैनुअल मशीन है जिससे कटिंग की थी, ऑटोमेटिक पे तो फिर उसके लिए की कोड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो रोक के नहीं बनाया है ना, वीडियो पूरा बन गया है ना, रोका नहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, चढ़ दी गला। नहीं नहीं कोई एडिट नहीं करना, वीडियो एडिट क्यों करेंगे हम, जब बन रहा है वीडियो प्रॉपर बन रहा है तो प्रॉपर चलने दो, हमारे दर्शक देखेंगे। लो जी वैसे तो मैंने कर दिया, थोड़े से मेरे को ये भी लग रहे हैं, देखते हैं काम होगा नहीं होगा, हम टेस्टिंग यहीं पर कर लेंगे, ये हमारा बैरियल है, जैसा कि हमने निशान लगाया था ये रहा, टेस्टिंग यहीं पे करेंगे, चला नहीं चला, अभी भी की नहीं चली। ये मर्सिडीज़ का लोग है, इसमें बाल बराबर गैप नहीं चलता, मेरे को ये दो भी करने पड़ेंगे। हमारा बाल की जो बाल होता है हमारा जो, उसकी कितनी मोटाई होती है, कुछ भी नहीं होती, उतना सा भी नहीं चलता इसमें गैप। फिनिशिंग फाइन हो गई है, चेक करते हैं एक बार। हाँ जी ये लो, घूम गई ना चाबी, अब इसको मैं इसी पोजीशन पे वापस, बहुत सिंपल है, बस निशान लगा ले मेरे भाई, निशान लगा लिया तो कुछ भी नहीं दिक्कत आएगी।
बैठा नहीं पूरा अंदर, चेक करता हूँ क्या दिक्कत है, शायद अंदर की गरारी होती है, ये हिल गई है। मार्क किया था तब भी, चलो हो सकता है इतना ही बैठे, लगा के देखते हैं दोस्तों। फिर इसी पोजीशन पे मेरे को इसको ना घुमाना पड़ेगा, जिस पोजीशन पे इसको निकाला था, ऐसे निकाला था तो ऐसे लॉक होगा। ये कट है हमारा और ये कट ऐसे जाएगा यहाँ पे। ये आ गया जी, ये देख रहे हो, ये कट हमारा प्रॉपरली यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे कोई भी पिन या स्क्रू लगा के उसको प्लेन कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे नॉर्मली अपना देसी जुगाड़ करूँगा, माचिस की तिल्ली। और इस साइड से भी, क्योंकि ये इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, ये प्रॉपर रहेगा अपनी जगह पे सेट। लो जी, इस तरीके से अपना ये लॉक मर्सिडीज़ का सेट हो चुका है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो साथियों, ये एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स है सभी भाइयों का। और दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ में आप परेशान होते हैं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा, उतना बेहतरीन और अच्छा अच्छा वीडियो आपके आगे बना के रखूँगा। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।